वेलकम टू द स्टडी लवर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मैटर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनके बारे उनकी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ना होगा, फिर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, थोड़ा सा लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, गैस की प्रॉपर्टीज़ भी हमें स्टडी करना होगा। तो यही सब हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले तो हमारा आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में तो बस यही दिया है कि जो वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब हमारे सराउंडिंग्स, मतलब हमारे वातावरण में कई प्रकार की वस्तुएँ पाई जाती हैं ना, उनका डिफरेंट शेप और साइज़ होता है। मतलब जैसे हमारे सराउंडिंग्स में चेयर होती हैं, टेबल होती हैं, फ़ैन होते हैं, तो इनका सब क्या होता है, शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, मास अलग होता है। तो इन सबका साइज़, शेप, कलर, ये सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। और लेकिन इन सबका क्या होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है, और ये सब क्या करते हैं, एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब एक जगह लेते हैं। अब जैसे फ़ैन, अब जैसे गर्मी में कूलर चलते, तो आप सपोज़ करो, आप मानो कि रूम में आप कूलर रखोगे तो रूम की वो उतना स्पेस ले लेगा कि नहीं कूलर। तो ये मतलब इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो हमारे वातावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है, जैसे ट्री हो गए, वाटर हो गया, पेपर हो गया, बुक हो गया, इन सब का क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब डिफिनेशन ऑफ मैटर पे आ जाते हैं हम लोग। डिफिनेशन ऑफ मैटर क्या होती है? तो डिफिनेशन ऑफ मैटर कुछ नहीं, अ थिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड द मैटर। मतलब कोई एक ऐसी चीज़, मतलब उसका क्या हो, एक मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अ थिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड द मैटर। इसकी डिफिनेशन तो बहुत ईजी है। अब एग्जांपल में मैटर में ले सकते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, ऐसे हम लोग ले लेते हैं चेयर एग्जांपल में। तो अब आप अगर रूम के अंदर एक चेयर रखोगे तो वो रूम के एक रूम, मतलब चेयर एक अपनी खुद एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वही क्या होगा, मैटर होगा। और चेयर का क्या, कुछ एक मास भी होगा। अब आप एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का भी ले सकते हो। ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, कुछ वेट होता है। और जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, एक बॉय है, बॉय का वेट है 30 किलो, और वो बैठेगा कहीं सीट में तो वो उतनी सीट की जगह ले लेगा, और बॉय का क्या, एक वेट भी है 30 किलो। तो ये क्या होगा, मैटर होगा, क्योंकि मैटर की डिफिनेशन क्या कहती है, अ थिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या, स्पेस ऑक्यूपाई ले, जगह ले। तो वो बॉय क्या ले रहा है, जगह भी ले रहा है, एक सीट की जगह तो लेगा ही, और उसका क्या है, मास भी है। तो उसकी तो मैटर की डिफिनेशन ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि अ थिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड द मैटर। तो ये तो बहुत ईजी रहा डिफिनेशन ऑफ मैटर। अब हमें समझना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है? तो ये कुछ नहीं, ये बहुत इजी होता है। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आर गिवन। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसमें दिया है नीचे, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो पोस्टुलेट्स मतलब होता है पॉइंट, कुछ पॉइंट दिए रखे हैं। ऑल मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये भी बहुत ईजी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का पहला पॉइंट यही है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स भी एक क्या है, मैटर है, और फैन मैटर है, वाटर भी मैटर है, ट्रीन्स, ये सब क्या है, मैटर ही तो है। तो यही सब क्या बनते हैं, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम अपनी नैक्ड आई से देख सकते नहीं है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, इन सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही देख सकते हैं, वरना हम अपनी नैक्ड आई से नहीं देख सकते ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का पहला पॉइंट यही है, जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जैसे चौक है, तो चौक का आप आउटर देखोगे तो उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होते होंगे, देखा होगा आपने, तो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है, चौक बनती है। तो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। पहला ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन एंड हैंस हैव काइनेटिक एनर्जी। ये भी बहुत ईजी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, अब हमने कहा था ना, पार्टिकल जो मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, हैंस हैव काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोगों ने जाना था ना कि अब हम लोगों को ये पता है ना कि जो सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसमें क्या होते हैं, दूर होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही दूर होते हैं। हाँ, तो अब हम इसी से एग्जांपल ऐसे ही करेंगे कि जो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, अब जैसे ये मान लो सॉलिड है, सॉलिड किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मिलकर बने होते हैं।
वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, मतलब वो हमेशा मूव क्या करते हैं, इसीलिए उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हमें ये समझना है, तो काइनेटिक एनर्जी, अब पहले सेकंड पॉइंट हमें समझने से पहले हमें समझना होगा काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी हम उसे कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम उसे कहते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो धीरे चल रहा है तो उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर वो बहुत तेज मूव कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मोशन में है या कोई मूव कर रही है, अगर कोई भी मूव कर रहा है, अगर कोई भी चल रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो कि अगर कोई एक बॉय है वो बाइक चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो वो बाइक क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, बाइक मूव कर रही है ना, बाइक ऐसे मूव करेगी ना, तो बाइक मूव कर रही होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब जो हमने हमने पहला पॉइंट क्या देखा था कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में होंगे। अब यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूस मोशन में होंगे, तो अगर ये मूव कर रहे हैं भाई, अगर ये मूव कर रहे हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सॉलिड भी क्या है, एक मैटर है, तो वो मैटर है, तो मैटर किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो सॉलिड के जो 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 सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो मूव करते हैं, लेकिन उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि आप देख रहे हो ये क्या है, सॉलिड है ना, ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये क्योंकि ये सॉलिड है। अब इसमें जो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, तो वो इतने अच्छे से मूव मोशन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं, मूव करते हैं बट इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और लिक्विड में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मूव कर लेते हैं, फ्रीली मूव कर लेते हैं, फ्रीली मोशन में होते हैं। गैस के तो और ही अच्छे से फ्रीली मूव कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज व्हेन हीटेड एंड व्हेन थर्ड पॉइंट यह है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज व्हेन हीटेड व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड एंड डिक्रीजेज व्हेन कूल्ड व्हेन हीट एनर्जी इज टेकन आउट। अब जो हमने क्या पढ़ा था, जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन पे होते हैं, और इसीलिए उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने ये भी पढ़ा था। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जो पार्टिकल जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन वो नॉर्मली मूव करा करते हैं, मतलब ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमे, मतलब नॉर्मली मूव किया करते हैं ना। तो जब उनके पास जब वो ज़्यादा तेज तब मूव करेंगे जब हीट सप्लाई की जाएगी, जब हीट सप्लाई की जाएगी तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा तेज मूव करेंगे, जब ज़्यादा तेज मूव करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। और वहीं अगर हीट नहीं दी जाएगी, हीट टेकन आउट कर ली जाएगी, मतलब हीट नहीं दी जाएगी बल्कि हीट ले ली जाएगी, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम मूव करेंगे तो उनके पास क्या होगी, कम काइनेटिक एनर्जी होगी। फोर्थ पॉइंट है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, दिस फोर्स बिटवीन द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोसी फोर्स एंड बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द एडिसिव फोर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि जो एटम्स की तीन फॉर्म होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, गैस में और ही दूर। तो जो फोर्थ पॉइंट है, अब जैसे देखो सॉलिड में अगर आपसे, अब देखो फोर्थ पॉइंट ये कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो सॉलिड, अब ऐसा क्यों होता है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, ये जैसे ये कोई ये सॉलिड है कि नहीं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड क्यों है, क्लोजली पैक्ड क्यों है। अब क्लोजली पैक्ड क्यों होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अब हम सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए वो जो एटम्स और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से मूव भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मूव कर लेते हैं, इसलिए उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब जो सॉलिड होते हैं उनके उसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।
मतलब समझ रहे हैं ना कि अब सॉलिड के मतलब ये रीज़न समझ में आ गया ना क्यों सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इसमें उसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब जब फोर्स लगेगा दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स चिपके चिपके होंगे, मतलब उनमें उन दोनों के बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यही होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें कहा कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स हमें समझना है ना। तो देखो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तभी तो जब अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा रहेगा अगर अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा रहेगा तो दो मॉलिक्यूल्स चिपके चिपके रहेंगे और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा कम। और लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में और ही कम रहता है, तभी तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही और ही कम होता है। अब यहाँ पे ये हमने समझ लिया इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारा यहाँ पे एक और चीज़ आता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस ये होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। अब जैसे देखो ये दो कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ इधर से जो फोर्स लगता है, इधर इधर से जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस, और जो यहाँ पे ऐसे जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अब ये आपस में रिलेटिव्स हैं, मतलब अब जब इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम होगा जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा तो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच में बहुत वो चिपके चिपके होंगे, जब चिपके चिपके होंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो कम होगा, मतलब इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसमें पूछा है कोहेसिव फोर्स वो होता है जब यही फोर्स जो अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो, एक कंटेनर है उसके अंदर क्या रखा है, वाटर, इसके अंदर क्या है, वाटर। अब एक कंटेनर है उसके अंदर क्या है, वाटर है, तो उस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है, तो मतलब उस कंटेनर में किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वाटर है, तो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो एक ही वो मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, मतलब एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, क्योंकि वो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स है सारे, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो जो उसमें फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि वो एक सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स में लग रहा होता है, क्योंकि उसमें किसके पार्टिकल्स होते हैं, केवल वाटर के पार्टिकल होते हैं, इसलिए जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है ना, एडहेसिव फोर्स हमें समझना है क्या होता होगा। तो एडहेसिव फोर्स हम उसे कहते हैं, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया था कोहेसिव फोर्स के लिए, कि एक कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया था, वाटर डाल दिया था, तो उस कंटेनर के अंदर किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, केवल किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर उसमें जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स लगेगा, क्योंकि उसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर हम उसी कंटेनर के अंदर मिल्क डाल दें, अगर हम उसी कंटेनर के अंदर मिल्क डाल दें तो उसके अंदर कौन किसके किसके पार्टिकल्स हो जाएंगे, एक वाटर के पार्टिकल हो जाएगा, एक मिल्क का पार्टिकल हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो हमने पहले डाला ही था, तो वाटर के पार्टिकल हो गए, उसके बाद हमने मिल्क का भी पार्टिकल डाल दिया, तो हमने जब मिल्क का पार्टिकल डाल दिया तो अब उस कंटेनर के अंदर केवल वाटर के पार्टिकल ही नहीं मिल्क के भी पार्टिकल आ गए, तो जब जो फोर्स लगेगा मिल्क के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में उसे हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। एडहेसिव फोर्स क्यों कहेंगे उसे हम, क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक जैसे पार्टिकल नहीं है, एक पार्टिकल मिल्क का है, एक पार्टिकल लिक्विड का है, ये नहीं कि सारे पार्टिकल लिक्विड के ही हैं, जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स तो होता ही ऐसा, लेकिन एडहेसिव फोर्स वो होता है ना जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब उस कंटेनर के अंदर मिल्क के भी पार्टिकल आ गए, लिक्विड के भी पार्टिकल आ गए, तो जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल में नहीं लगेगा, डिफरेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि मिल्क के भी पार्टिकल आ गए ना उसके अंदर, लिक्विड के भी पार्टिकल हैं, तो सॉरी वाटर के भी पार्टिकल हैं, तो उन दोनों के जो बीच में फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड वाइस वर्सा। अब हमने ये बताया था ना कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम होगा, क्योंकि अगर जब अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा लगेगा तो जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चिपके चिपके होंगे ना, तो उनकी जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा प्रेजेंट वो कम होगा, मतलब
मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड, फिर आखिरी पॉइंट है, द मॉलिकुलर मोशन इज ग्रेटेस्ट इन गैसेज, लेस इन लिक्विड एंड द लीस्ट इन सॉलिड। तो ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, कि जो काइनेटिक एनर्जी मतलब लिक्विड मतलब जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो क्या होते थे, कॉन्टिन्यूस मोशन में होते थे। तो जब कॉन्टिन्यूस मोशन में होते थे तो मतलब मूव क्या करते थे, कॉन्टिन्यूस मोशन मतलब वो क्या करा करते थे, मूव क्या करते थे। अब जो सॉलिड के पार्टिकल होते थे वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करते थे, लिक्विड के और अच्छे से मूव करते थे, थोड़ा तेज मूव करते थे, क्योंकि सॉलिड में धीरे धीरे मूव इसलिए करते थे क्योंकि सॉलिड के आप मॉलिक्यूल देखोगे तो क्लोजली पैक्ड होते थे, वो अच्छे से फ्रीली मूव ही नहीं कर पाते थे, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते वो थोड़ा दूर पर होते तो इसलिए वो फ्रीली मूव क्या कर लेते थे। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते वो तो बहुत ही दूर दूर होते, वो तो बहुत ही आसानी से मूव कर लेते हैं, और जो उसमें मॉलिकुलर मोशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो गैस में सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मोशन होता है, सॉलिड में सबसे कम ही होता है, लिक्विड में तो एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा ही होता है मॉलिकुलर मोशन। बाकी है इसमें दिया नीचे, द काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी इज़ वेरी यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग द फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द एनर्जी देन दे पोजेस एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन। मतलब इसमें यही बताया गया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से हमने बहुत कुछ सीखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड में क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, और सॉलिड में जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ मूव क्यों करते हैं, स्लो मूव क्यों करते हैं लिक्विड के, तो यही सब हमने जाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।